हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप चौधरी एंड वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वार्प एंड वेफ्ट यार्न। इस टॉपिक के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, तो इस टॉपिक के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन टू फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वार्प एंड वेफ्ट, कि हम एक्स्ट्रा थ्रेड्स को यूज़ करके फिगरिंग कैसे कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा वार्प एंड वेफ्ट विद फिगर, हम कैसे एक्स्ट्रा वार्प और वेफ्ट यार्न को यूज़ करके फिगर प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके मेथड्स कौन कौन से हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं इसको प्रोड्यूस करने के लिए, हमें लूम में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर हम फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वार्प एंड वेफ्ट को प्रोड्यूस करते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसकी क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वार्प एंड वेफ्ट है क्या। फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वार्प एंड वेफ्ट एक मेथड है फिगर प्रोड्यूस करने का, या अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन प्रोड्यूस करने का, जिसके अंदर हम जो हमारा ग्राउंड के लिए जो यार्न हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा हम एक्स्ट्रा वार्प या एक्स्ट्रा वेफ्ट का यूज़ करते हैं। वोवन फैब्रिक प्रोड्यूस करने के लिए हम एक वार्प और एक वेफ्ट का यूज़ करते हैं, दोनों के आपस में इंटरलेसमेंट करते हैं, जिससे हमारा फैब्रिक प्रोड्यूस होता है। उसके अंदर हम कोई डिज़ाइन यूज़ करते हैं, प्लेन वीव, ट्विल वीव, साटिन वीव, डायमंड वीव, या कोई भी वीव, या कोई भी डिज़ाइन यूज़ करके हम उस फैब्रिक को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इस मेथड के अंदर, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वार्प एंड वेफ्ट, मतलब हम एक एक्स्ट्रा वार्प या एक्स्ट्रा वेफ्ट का यूज़ करके फिगर प्रोड्यूस करेंगे। आप जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं, इस फैब्रिक के अंदर जो हमारा ग्राउंड फैब्रिक है, उसके अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा यार्न दिखाई दे रहे हैं जो फिगर प्रोड्यूस कर रहे हैं या डिज़ाइन प्रोड्यूस कर रहे हैं फैब्रिक के अंदर। तो ये जो एक्स्ट्रा यार्न आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक्स्ट्रा वार्प हो सकते हैं या एक्स्ट्रा वेफ्ट हो सकते हैं। इनका यूज़ हम सिर्फ फिगर प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। अगर हम इन यार्न्स को फैब्रिक से रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, और इनको रिमूव करने के बाद हमारे पास एक सॉलिड ग्राउंड फैब्रिक बच जाएगा। मतलब इस एक्स्ट्रा वार्प या एक्स्ट्रा वेफ्ट का ग्राउंड फैब्रिक की अपीयरेंस पे, ग्राउंड फैब्रिक की स्ट्रेंथ पे, ग्राउंड फैब्रिक की ड्यूरेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब ये एक्स्ट्रा यार्न ग्राउंड फैब्रिक की दूसरी प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट नहीं करता। अगर हम चाहें तो इन एक्स्ट्रा वार्प या वेफ्ट यार्न को रिमूव कर सकते हैं। इनको रिमूव करने के बाद हमें एक प्लेन ग्राउंड फैब्रिक मिल जाएगा। अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो इनके फ्लोट्स को हम बैक साइड में यूज़ कर सकते हैं। जो फिगर हमें प्रोड्यूस करना है फेस साइड पर, वहाँ पर हम इस यार्न को रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ पर हम इसे हाइड करना चाहते हैं, तो इसके लॉन्ग फ्लोट हम फैब्रिक की बैक साइड में यूज़ कर सकते हैं। ये फैब्रिक अलग अलग तरह के डिज़ाइन प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पहले जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ था तो इसे प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया था, लेकिन आजकल इसे अलग अलग वैरायटी के डिज़ाइंस को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। इसे हम सिंपल तरीके से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, डोबी का यूज़ करके हम ज़्यादा इलेबोरेट डिज़ाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा कलर वाले डिज़ाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैकार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं हम इस प्रकार के फिगर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। जितना कॉम्प्लिकेटेड फिगर होगा, उतने ज़्यादा एंड्स होंगे, उतने ज़्यादा एंड्स को कंट्रोल करने के लिए हमें अलग मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम जैकार्ड का यूज़ कर सकते हैं, डोबी का यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल डिज़ाइन भी हम इसके अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, इसका यूज़ अलग अलग तरह के फिगर्स को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ यूजिंग एक्स्ट्रा यार्न, कि एक्स्ट्रा यार्न किस किस तरीके से हम फैब्रिक में यूज़ कर सकते हैं, फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वार्प एंड वेफ्ट में हम किस तरीके से एक्स्ट्रा यार्न को यूज़ कर सकते हैं। तो मेथड्स में हम दो मेथड्स यूज़ करते हैं मेनली, फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वार्प यार्न एंड फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वेफ्ट यार्न। एक
फर्स्ट मेथड है जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा वार्प यार्न का यूज़ करते हैं, और सेकंड मेथड है जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा वेफ्ट का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो हम ग्राउंड फैब्रिक के लिए एक वार्प और वेफ्ट यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम एक्स्ट्रा वार्प या एक्स्ट्रा वेफ्ट का यूज़ करके इन फिगर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इन दो तरीके से हम फिगरिंग कर सकते हैं, फिगर प्रोड्यूस कर सकते हैं ग्राउंड फैब्रिक के ऊपर। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की, कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या लूम के अंदर किस किस फीचर को हमें ऐड करना पड़ता है इस फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर हम बात करें फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वार्प यार्न, एक्स्ट्रा वार्प जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें लूम के अंदर एक एक्स्ट्रा बीम की ज़रूरत पड़ती है जिसके अंदर ये एक्स्ट्रा वार्प यार्न वाइंड होता है। हमारी नॉर्मल लूम के अंदर सिंगल बीम होती है बैक साइड में, जिसमें से वार्प यार्न सप्लाई होता है और वेफ्ट के साथ इंटरलेसमेंट करके ग्राउंड फैब्रिक प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हम फिगरिंग कर रहे हैं एक्स्ट्रा वार्प यार्न को यूज़ करके, तो हमें जो हमारी एक नॉर्मल बीम थी उसके अलावा एक एक्स्ट्रा बीम की ज़रूरत पड़ेगी। वो एक्स्ट्रा बीम हमारी जो ग्राउंड बीम है उसके ऊपर भी माउंट हो सकती है या उसके नीचे माउंट हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वार्प यूज़ कर रहे हैं तो हमें बैक साइड में दो बीम की ज़रूरत पड़ेगी, दो वार्प बीम की ज़रूरत पड़ेगी। एक हमारे ग्राउंड के लिए यार्न सप्लाई करेगा और दूसरी बीम हमारा एक्स्ट्रा वार्प सप्लाई करेगी जो फिगर प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाएगा। वेफ्ट सिंगल होगा। तो फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वार्प के अंदर हमें दो बीम वार्प के लिए और सिंगल वेफ्ट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब दो सीरीज वार्प की और सिंगल सीरीज वेफ्ट की हम यूज़ करते हैं जब हम फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वार्प करते हैं। अब बात करते हैं फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वेफ्ट यार्न, मतलब हमें एक्स्ट्रा वेफ्ट यार्न की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम नॉर्मल फैब्रिक प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके अंदर एक वार्प और एक वेफ्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा वेफ्ट यार्न की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमारी लूम के अंदर मल्टीपल बॉक्स मोशन या ड्रॉप बॉक्स मोशन होना ज़रूरी है। मल्टीपल बॉक्स मोशन के अंदर मल्टीपल बॉक्स होते हैं जिसके अंदर हम अलग अलग कलर के वेफ्ट यूज़ कर सकते हैं। सिंगल वेफ्ट की बजाय बहुत सारे वेफ्ट को हम एक साथ लूम के अंदर चला सकते हैं। इसी प्रकार से ड्रॉप बॉक्स मोशन के अंदर भी अलग अलग तरह के कलर वेफ्ट के हम यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल बॉक्स मोशन 2x1 का हो सकता है जिसके अंदर दो बॉक्स एक साइड में और एक बॉक्स दूसरी साइड में होता है। 2x2 हो सकता है जिसमें दोनों तरफ दो दो शटल बॉक्स होते हैं। 4x1 हो सकता है, 4x4 हो सकता है अगर हमारे नंबर ऑफ कलर्स जो हमें फैब्रिक के अंदर चाहिए वो ज़्यादा हैं। तो इस तरह के मल्टीपल बॉक्स मोशन या ड्रॉ बॉक्स मोशन मैकेनिज्म लूम के अंदर रिक्वायर्ड हैं अगर हम फिगर विद एक्स्ट्रा वेफ्ट यार्न यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें फिगर प्रोड्यूस करनी है एक्स्ट्रा वेफ्ट यार्न को यूज़ करके। वार्प यार्न के लिए हमें सिंगल बीम ही ज़रूरत पड़ेगी फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वेफ्ट में, लेकिन हमें मल्टी कलर वेफ्ट यूज़ करने पड़ेंगे, इसलिए ड्रॉप बॉक्स मोशन हमें यूज़ करना पड़ता है फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वेफ्ट मेथड के अंदर। इसके अंदर हमें रेशो सेलेक्ट करनी पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वार्प है तो हमें रेशो सेलेक्ट करनी पड़ती है कि ग्राउंड के साथ कितने किस रेशो में हम एक्स्ट्रा वार्प यार्न को यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा ग्राउंड है 1 और हमारा एक्स्ट्रा वार्प यार्न है 1, तो हम उसे बोलेंगे 1:1, उस रेशो को हम बोलेंगे 1:1 कि एक एक्स्ट्रा वार्प है और एक ग्राउंड वार्प है। लेकिन अगर हम दो कलर के वार्प यार्न यूज़ कर रहे हैं फैब्रिक में एक्स्ट्रा फिगर प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमारी रेशो हो जाएगी 1:2, मतलब एक ग्राउंड के साथ हम दो कलर के वार्प यूज़ कर रहे हैं, दो फिगर वार्प यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वार्प यूज़ कर रहे हैं। तो अगर एक ग्राउंड है और दो एक्स्ट्रा वार्प हैं तो रेशो 1:2, अगर 2:2 दो ग्राउंड के वार्प हैं और दो फिगर के वार्प हैं तो हम उसे बोलेंगे 2:2 रेशो। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की रेशो हम यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कलर वी वांट टू यूज़ इन आवर फिगर। हमारी फिगर के अंदर हम कितने कलर के वार्प या फिगर के अंदर हम कितने एक्स्ट्रा वार्प यार्न का यूज़ कर रहे हैं। सेम यही मेथड हम फॉलो करते हैं फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वेफ्ट यार्न के साथ। अगर हम एक्स्ट्रा वेफ्ट यार्न को यूज़ करके फिगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम सिंगल कलर ले रहे हैं तो 1:1 की रेशो होगी, एक ग्राउंड और एक एक्स्ट्रा वेफ्ट। अगर हम दो एक्स्ट्रा वेफ्ट यूज़ कर रहे हैं तो 1:2 हो सकती है रेशो।
अगर हम दो ग्राउंड के साथ दो एक्स्ट्रा वेफ्ट यूज़ कर रहे हैं तो 2:2 हो जाएगी। तो रेशो डिपेंड करता है हमारे फिगर के अंदर कितने कलर हम चलाना चाहते हैं या कितने कलर हम यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें रेशो सेलेक्ट करनी पड़ती है, रेशो डिसाइड करनी पड़ती है कि ग्राउंड के साथ फिगर की रेशो कितनी है। 1:1 है, 1:2 है, 2:2 है या 2:1 है, वो हमारे डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है हमें जब भी हम फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वार या एक्स्ट्रा वेफ्ट यार्न यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल की। कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल में हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वार्प। एक्स्ट्रा वार्प के अंदर भी दो मेथड होते हैं, फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वार्प इन वन कलर एंड फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वार्प इन टू कलर। तो ये दोनों चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वेफ्ट। एक्स्ट्रा वेफ्ट में हम फिगरिंग कैसे कर सकते हैं सिंगल कलर में और डबल कलर के अंदर। तो चलिए पहले हम देखते हैं फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वार्प इन सिंगल कलर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वार्प। एक्स्ट्रा वार्प में हम दो तरीके से फिगर प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिंगल कलर में और डबल कलर में। वो दोनों मेथड हम अब इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें कोई भी एक फिगर सेलेक्ट करना है जो हम हमारे फैब्रिक में प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो मैंने एक 8x8 का बॉक्स ड्रॉ किया है, इसके अंदर मैं कोई भी एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ जिसको हम प्रोड्यूस करेंगे एक्स्ट्रा वार्प की हेल्प से ग्राउंड फैब्रिक के साथ मिलकर। तो ये मैंने एक मोटिफ ड्रॉ कर लिया है, आप कोई भी मोटिफ इसकी जगह ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइन आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अगर हम इस डिज़ाइन को बार बार रिपीट करेंगे तो ये लार्जर स्केल पे काफ़ी बड़ा मोटिफ दिखाई देगा, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। यही मोटिफ हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अब हमारा ये मोटिफ या ये हमारा फिगर है जो हमें एक्स्ट्रा वार्प यार्न को यूज करके प्रोड्यूस करना है, तो हमने इसे नाम दे दिया एफ, फिगरिंग वार्प। ये हमारा डिजाइन 8x8 के अंदर हमने प्रोड्यूस किया है। तो इसके लिए हम ग्राउंड के लिए जो फैब्रिक लेंगे उसकी वीव हम ले लेते हैं 1 up 1 down। तो 1 up 1 down 8x8 में हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी ग्राउंड की वीव है 1 up 1 down और ये हमारी फिगर की वीव है जो 8x8 के अंदर दोनों हमने यूज की। अब अगर हम रेशो लेके चलते हैं 1:1 की, मतलब 1 ground और 1 figure, तो इसके हिसाब से हमें जो हमारा कंप्लीट डिज़ाइन प्रोड्यूस करना है उसके लिए हमें 8+8 16 वार्प की ज़रूरत पड़ेगी और 8 वेफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वार्प कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा वार्प ऐड करना होगा हमारी ग्राउंड फिगर के अंदर, मतलब हमें एक ग्राउंड के साथ एक फिगर ऐड करना है। तो 8 ground के साथ अगर हम 8 figure के वार्प यान ऐड करेंगे तो हमें 16 वार्प की ज़रूरत पड़ेगी डिज़ाइन को प्रोड्यूस करने के लिए एक रिपीट, और 8 weft यान की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम इसका डिज़ाइन प्रोड्यूस करेंगे, इसका ड्राफ्टिंग प्लान प्रोड्यूस करेंगे और इसका लिफ्टिंग प्लान प्रोड्यूस करेंगे। तो 16x8 का हमने डिज़ाइन के लिए ग्राफ पेपर तैयार कर लिया। ड्राफ्टिंग प्लान के लिए कैसे हम सेलेक्ट करेंगे साइज़, सबसे पहले हमें हमारे फिगर और ग्राउंड की वीव देखनी है ड्राफ्टिंग प्लान के लिए, जब भी हमें डिज़ाइन सेलेक्ट करना होता है, या कि हमें ड्राफ्टिंग प्लान कितने बाय कितने में बनाना है वो डिसाइड करने के लिए हमें हमारा डिज़ाइन देखना होता है कि हमारे फिगर और हमारी ग्राउंड वीव के अंदर क्या डिज़ाइन।
तो इसका ड्राफ्टिंग प्लान बनाते समय हमें ये चीज़ देखनी है कि हमारे फिगर का जो रिपीट साइज़ है वो कितने बाय कितने का। हमारे फिगर का रिपीट साइज़ 8x8 का है, तो हमें फिगर के लिए 8 हील शाफ्ट यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें रेशियो 1:1 है ग्राउंड की और फिगर की, इसलिए हम 8 हील शाफ्ट यूज़ करेंगे इस फिगर के लिए। और हमारी प्लेन वीव के अंदर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ हैंड की वर्किंग सेम है, 2, 4, 6, 8 की वर्किंग सेम है, तो इसके लिए हम 2 हील शाफ्ट यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम फिगर प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद ड्राफ्टिंग प्लान ड्रॉ करेंगे। तो फिगर प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या किया है, ग्राउंड की और फिगर की रेशियो 1:1 ली है हमने, 1 ग्राउंड 1 फिगर। तो 1 ग्राउंड मतलब सबसे पहले हमें ग्राउंड का यान लेना है, उसके बाद फिगर का, फिर ग्राउंड का, फिर फिगर का, फिर ग्राउंड, फिगर, ग्राउंड, फिगर, इस ऑर्डर में हम चलते जाएंगे, एक ग्राउंड और एक फिगर। तो हमने ये नंबरिंग उसी हिसाब से दे दी कि हमारा फर्स्ट एंड है ग्राउंड का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो 1, 2, 3, 4 हैं ये ग्राउंड के एंड्स हैं, और जहाँ पर F लिखा हुआ है ये एक्स्ट्रा वार्प यान जो फिगर प्रोड्यूस कर रहा है उसके एंड है। तो अब दोनों की पिक कॉमन है, इसलिए हम सबसे पहले जो हमारे ग्राउंड के अंदर वीव है 1 अप 1 डाउन उसको फिल कर देंगे। उसके बाद फिगर में जो फर्स्ट फिगर का एंड है उसकी जो वर्किंग है वो हम इसके अंदर फिल करेंगे। तो उसके अंदर ये वर्किंग थी, हमने इसको फिल कर दिया। वेफ्ट की नंबरिंग डाल देते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद दोबारा हमारा प्लेन वीव, सेकंड जो प्लेन वीव का जो सेकंड एंड है उसकी वर्किंग हम इसके अंदर फिल कर देंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड फिगर का एक्स्ट्रा वार्प यार्न है उसकी वर्किंग हम इसके अंदर फिल करेंगे। उसके बाद थर्ड हमारा जो प्लेन वीव है उसको फिल करेंगे। फिर फिगर की जो थर्ड जो हमारा फिगर का वार्प है उसकी वर्किंग। तो इस ऑर्डर में हम वीव को फिल करते चले जाएंगे, पहले प्लेन वीव, उसके बाद फिगर की वीव, उसके बाद फिर प्लेन वीव, फिर फिगर की वीव, ऐसे करते हुए हमें हमारी पूरी वीव फिल करनी है। तो इस प्रकार से हमने 1 ग्राउंड 1 फिगर करते हुए हमने पूरी वीव इसके अंदर फिल कर दी। ये हमारा फाइनल डिज़ाइन प्रोड्यूस हो गया, फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वार्प इन 1 कलर। अब इसका ड्राफ्टिंग प्लान जब हमें ड्रॉ करना है तो हमें इस डिज़ाइन के अंदर ये देखना है कि किस एंड की वर्किंग एक दूसरे से मिलती है और किसकी एक दूसरे से अलग है। सेम एंड्स की वर्किंग के लिए हम सिंगल शाफ्ट यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट के लिए हम अलग अलग हील शाफ्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस एंड की वर्किंग देखी 1 अप 1 डाउन, तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ इनकी वर्किंग सेम है। तो हम पहली हील शाफ्ट जो फर्स्ट हील शाफ्ट है उसके लिए हम ये जो एंड है फर्स्ट इसको फिल करेंगे। फर्स्ट, उसके बाद ये जो हमारा थर्ड ग्राउंड का जो थर्ड वार्प यार्न है इसकी और इसकी वर्किंग सेम है, ये भी 1 अप है, ये 1 डाउन 1 अप, तो इसके लिए हमने यही हील शाफ्ट यूज कर ली। उसके बाद फिफ्थ के लिए, उसके बाद सेवन्थ के लिए, फर्स्ट हील शाफ्ट में हमने इन एंड्स को पास कर दिया। अब जो दूसरी प्लेन वीव है उस 2, 4, 6, 8 उसके लिए हमने दूसरी हील शाफ्ट यूज कर ली H2।
तो हमारी प्लेन वीव को बनाने के लिए ये दोनों हील शाफ्ट रिस्पॉन्सिबल हैं, ये दोनों हील शाफ्ट प्लेन वीव की वर्किंग को कंट्रोल करेंगे। अब बाकी जो हमारा डिजाइन बचता है उसके लिए हम यूज करेंगे बाकी की हील शाफ्ट H3, H4, H5, H6, 7, 8, 9, 10। तो इनके लिए हम अलग हील शाफ्ट यूज करेंगे। फर्स्ट फिगरिंग एंड के लिए उसके बाद नेक्स्ट फिगरिंग एंड के लिए उसके बाद नेक्स्ट ऐसे करते हुए हम इन एंड्स को, तो ये ड्राफ्टिंग प्लान होगा। पहली दो हील शाफ्ट, फ्रंट की दो हील शाफ्ट कंट्रोल करेंगी प्लेन वीव को और लास्ट की 8 हील शाफ्ट कंट्रोल करेंगी फिगर को। तो इस प्रकार से हम फिगर के लिए अलग हील शाफ्ट यूज करेंगे और प्लेन वीव के लिए अलग हील शाफ्ट यूज करेंगे। ये ड्राफ्टिंग प्लान इस डिजाइन की मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। अब इस ड्राफ्टिंग प्लान को देखते हुए हम लिफ्टिंग प्लान तैयार करेंगे। तो लिफ्टिंग प्लान में जो फर्स्ट एंड की मूवमेंट है, फर्स्ट एंड की मूवमेंट 1 अप 1 डाउन है, तो हम फर्स्ट एंड की मूवमेंट इसके अंदर फिल कर देंगे। उसके बाद सेकेंड हील शाफ्ट में 2 4 6 8 की जो मूवमेंट है वो हम इसके अंदर फिल कर देंगे। उसके बाद थर्ड हील शाफ्ट यानी इस डिजाइन की जो मूवमेंट है वो हम इसके अंदर फिल करेंगे। तो इस प्रकार से हम हील शाफ्ट को देखते जाएंगे और उसके कोरस्पोंडिंग जो वार्प यार्न की मूवमेंट है वो इसके अंदर फिल करते जाएंगे। ऐसे करते हुए हमारा पूरा लिफ्टिंग प्लान तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा लिफ्टिंग प्लान, ड्राफ्टिंग प्लान और डिजाइन फिगरिंग विद एक्स्ट्रा वार्प इन सिंगल कलर तैयार हो जाएगा। जब सिंगल कलर में हम यूज करते हैं फिगर के अंदर, तो इस प्रकार से हमारा फिगर विद एक्स्ट्रा वार्प यार्न का डिजाइन तैयार होगा।